राजधानी लखनऊ में शनिवार को लखनऊ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने नमस्ते लखनऊ विद राजनाथ सिंह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रोफेसर आलोक कुमार राय, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय समेत अन्य प्रबुद्धजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से राजनाथ सिंह ने लखनऊ वासियों से सीधा संवाद कर लखनऊ के विकास कार्यों की समीक्षा कर सुझाव मांगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया, जिसमें आनंद हॉस्पिटल और मेडिग्लो हेल्थ केयर के MD डॉक्टर आनंद सिंह भी सम्मानित हुए। इस कार्यक्रम के स्वरूप के संबंध में भी पहले जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा और आधे घंटे प्रबुद्ध वर्ग के बीच में भाषण करूंगा और फिर वहां से चल जाऊंगा। लेकिन अच्छा किया गया BN मित्रा जी ने। क्या आप लोगों को भी अवसर दिया कि आप अपनी कुछ बातें इस हमारे लखनऊ के संबंध में अथवा हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अथवा प्रदेश अथवा देश के बारे में हमारे समक्ष रख सकते। आप जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की कितनी व्यस्तता होती है। भाषण देना यह प्रतिदिन लगभग अनिवार्य होता है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि प्रबुद्ध जनों के बीच वैसे तो मैं आता हूं लखनऊ में, एक स्टेपोर्ट भाषण देकर मैं चला जाता हूं, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि प्रबुद्ध जनों के बीच यदि मैं जा रहा हूं तो एक वेल प्रिपेयर्ड स्पीच के साथ जाना चाहिए और मैं पूरी तैयारी करके आया था। लेकिन मैं समझता हूं कि उस स्पीच के आधार पर मैं बोलना शुरू करूंगा तो कम से कम 45 मिनट का समय मुझे लगेगा, इसलिए जो हमारी प्रिपेयर्ड स्पीच है उसके अनुसार तो अपनी बात नहीं रखूंगा, लेकिन वैसे भी जो कुछ बातें आप लोगों ने रखी हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। पहले तो यहां का मैं सांसद हूं, सांसद होने के नाते आप लोगों ने जो यह कहा है लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विकास तेजी के साथ हो रहा है, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जो कुछ भी हुआ है उसको आपने ठीक तरीके से पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किया है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि चाहे कोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो, चाहे राज्य हो अथवा केंद्र हो, सारा देश, यह कोई नहीं कह सकता है कि हमने इसका बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कर दिया, समग्र उसका विकास कर दिया, यह कोई दावा नहीं कर सकता, चाहे जितना भी करे। लेकिन जब से इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, पहले दिन से ही जो कुछ भी अपने नई ईमानदारी से मैं कर सकता था वह करने की हमने कोशिश की है। और हमारे आगे डॉक्टर LP मिश्रा जी ने एक बात कही है, जो रिंग रोड 104 किलोमीटर बन गई है 8 लेन की, यह पहला हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, और काम चल रहा है। लेकिन यह सच है अब तक वह काम पूरा हो जाना चाहिए और इसके लिए मुझे अपनी तरफ से जो कुछ भी कहना चाहिए मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं क्या कहा है मैंने, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स यहां बैठे हैं, उसके तरह तरह के इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं, लेकिन जो कहा जा सकता है और जिस कड़ाई के साथ कहा जा सकता है, जिस शक्ति से बात कहा जा सकता है, मैंने किया। लेकिन मुझे यह बताया गया कि एक ऐसा भी कॉन्ट्रैक्टर, दो कॉन्ट्रैक्टर था कि उतना पैसा ही नहीं लगा पाया, इसलिए उसका काम जितनी उसके काम की प्रगति होनी चाहिए थी उतनी प्रगति नहीं हो पाई। फिर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी कहा है, कंसर्न मिनिस्टर नितिन जी को भी कहा है, उन्होंने भी इस संबंध में बुलाकर बैठक की है, बातचीत की है, उसकी स्वयं चिंता है। और मैं सर्वाधिक चिंतित यदि किसी को रहता हूं तो अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर जो हमारी रिंग रोड है 104 किलोमीटर, और मैं जानता हूं ब्रिज भले ही यहां पर कम बने, फ्लाईओवर भले ही कम बने, यदि रिंग रोड यदि हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है 8 लेन की, कंप्लीट होना ही होना है, लगभग मोर देन 65 किलोमीटर
तिवारी जी 65 किलोमीटर बन गई है, लगभग 65 किलोमीटर बन गई है, लेकिन से और बन गई है। वह बन जाने के बाद भारत के किसी भी कोने से कोई लखनऊ यदि आना चाहता है, जिस मोहल्ले में उसको प्रवेश करना है तो बीच लखनऊ से होकर उसे नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि उसी रिंग रोड से सीधे अपने मोहल्ले में वही ईंधन करेगा। तो स्वाभाविक रूप से एक जो ट्रैफिक जैम की जो प्रॉब्लम रहती है वह स्वतः रिजॉल्व हो जाएगी। इसके अतिरिक्त क्या बहुत सारी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी याद नहीं है। हमको तो लोग बतलाते हैं कि साहब यह करना है, वह मैं कर देता हूं, और उसके बाद हमारी वहीं पर काम से छुट्टी हो जाए। फ्लाईओवर का जहां तक सवाल है, फ्लाईओवर मैं समझता हूं कि 6 तो बन के कंप्लीट हो गए, 6 बन गए हैं, और आपको जानकर खुशी होगी 5 फ्लाईओवर भी और स्वीकृत हो चुके हैं और उनका भी प्रशंसा किया। वैसे मैं पूछ रहा था अपने आदरणीय दिवंगत त्रिपाठी जी से, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे सुलझे हुए यहाँ के एक अधिकारी भी रहे हैं पहले, और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह इसके लिए निभा रहे हैं। हमारी तरफ से सारा काम दिवंगत त्रिपाठी जी हैं, और हमारे राघव जी शुक्ला हैं, और उनके केपी सिंह हैं, ये सब सारे लोग मिलजुल करके जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन का भी डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो, और मैंने तो उस समय लोकसभा में भी यह घोषणा कराई थी बजट स्पीच में कि हमारा यह गोमती नगर जो होगा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा, और यह स्वयं कंसर्न रेलवे मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी। काम चल रहा है, कई रेलवे लाइन्स बढ़ रही हैं, इसकी भी जानकारी आपको होगी, और कई ट्रेन और अधिक चलने भी लगी हैं गोमती नगर से। लेकिन हमारी कल्पना यह थी गोमती नगर रेलवे स्टेशन ऐसा बन जाए कि कोई यदि कल सुबह 4 बजे से निकलना है तो वहां पर जाकर रेलवे स्टेशन पर वह रुकना चाहता है तो रुके, उसके खाने पीने की रुकने की सोने की पक्की व्यवस्था हो, और सवेरे जब 4 बजे ट्रेन जा रही हो तो अपना सामान उठाए और सीधे ट्रेन के लिए रेलवे चलाए। कल्पना ये है, अरे एक वर्ल्ड क्लास का ये रेलवे स्टेशन होना चाहिए, और इसलिए पैसे का कोई संकट नहीं है, पीपीपी मोड में उसे बनना है। इस समय एक प्रॉब्लम जो मुझे बताई गई थी, जो लैंड है उसको खरीदने वाले कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं, रेलवे की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने कहा कि प्रयत्न जारी रहना चाहिए। वैसे ही चाहे चार बाग हो, रेलवे हो, आपने देखा होगा कुछ परिवर्तन आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं वहां पर दिखाई दिए हो। मेडिग्लो हेल्थ केयर, जहां एंटी एजिंग, रिंकल, ब्लैक हेड्स, कील मुहासे, पिगमेंटेशन, पील्स जैसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। यही नहीं, अल्ट्रा एडवांस लेजर मशीन द्वारा त्वचा, बाल और लेजर सौंदर्य उपचार, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस अवेलेबल। मेडिग्लो हेल्थ केयर, महानगर लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।